दुचाकी चोरून मोजवजा करणाऱ्या दुचाकी चोरटा पवन प्रेमचंद पाटील राहणार अवहानी तालुका धरणगाव याला कोट चौकातून दुचाकी चोरताना शहर पोलिसांनी दुपारी रंगेहात पकडले. पोलिसांच्या चौकशीनंतर त्याने चोरीच्या 11 दुचाकी काढून दिल्या आहे. या प्रकरणी मंगळवारी 13 सप्टेंबर रोजी शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय ठाकूरवाड यांनी गुन्हे शोध पथकाला दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार गेल्या महिनाभरापासून गुन्हे शोध पथकातील कर्मचारी दुचाकी चोरटांच्या मागावर होते. सोमवारी 12 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास दुचाकी चोर पवन हा जडगावातील कोट चौकात दुचाकी चोरण्यासाठी आला असल्याची माहिती शहर पोलिसांना मिळाली. पोलीस पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विजय निकुम, भास्कर ठाकरे, प्रफुल्ल धांडे, राजकुमार चव्हाण, पोलीस कॉन्स्टेबल रतन गीते, तेजस मराठे, योगेश इंदाटे यांनी सापळा रचून कोट चौकातून दुचाकी लांबवणाऱ्या पवन पाटील याला रंगेहात अटक केली. चोरट्याने नाशिक येथून 2 तर सुरत येथून 2 यासह जळगाव शहरातून 7 अशा एकूण चोरीच्या 11 दुचाकी काढून दिल्या. या संदर्भात पोलीस उपअधीक्षक कुमार चिंता यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. नेमकं काय बोललेत ते जाणून घेऊयात. आज जळगाव शहर पोलीस स्टेशनने एक बड़ा आरोपी को पकड़ा. पवन पाटील करके नाम है, उसको अटक करके उनका ताबे से अराउंड 11 मोटरसाइकिल रिकवर किया है. वो अभी हमारा ताबे में है. ये मोटरसाइकिल अलग अलग पुलिस स्टेशन के हैं. जलगाँव शहर सब डिवीजन का 3 मोटरसाइकिल है, सूरत का 2 है, नाशिक का 1 है. ऐसा हमको 6 गाड़ी का ट्रेसआउट हो चुका है. इसके अलावा एक 5 गाड़ी ट्रेसआउट होना भी बाकी है. हमारा अभी तपस चालू है. सर, जैसे अरेस्ट किया हुआ उसकी पार्श्वभूमि क्या? तो उसका नाम पवन पाटील है. वो इधर ही धरणगाँव तालुका में आहवानी गाँव का बिलोंग करता है. उसके खिलाफ बहुत गुना दाखिल है. पूरा मतलब गुजरात में दाखिल है, नासिक में दाखिल है, जलगाँव में भी दाखिल है. वो ही इज़ एक्सपर्ट इन मोटरसाइकिल चोरी है. हमारा टीम विजय ठाकुरवाड़ और दत्तात्रेय पोटे का आध्वर्यम में ये लोग रेडी हैंडेडली वो बंदा कोर्ट चौक में रेडी हैंडेडली ये चोरी करना उनको पकड़ा गया है. सर, इसने गाड़ियाँ किसी को बेची थी, उसका कुछ डिटेक्ट पता चला है? हाँ, वो अलग अलग जगह में भेजा था उन्होंने, उसको भी हम थाबे में ले लेते. कहीं नासिक में भेजा था, कहीं सूरत में भेजा था, तो अलग अलग लोगों को भेजा था. सर, कितने में बेचते थे और इनकी अभी कॉस्ट कितनी टोटल? पूरा मिलके, हाँ मतलब पूरा मिलके 10-1 लाख तक हो जाता है. ऑलमोस्ट इनका ऊपर 10-1 गुना दाखिल है. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, नॉट जस्ट इन जलगांव. मतलब जलगांव, नासिक, सूरत में, गुजरात में अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी दाखिल है. वो पूरा हम भी डिटेल्स ले रहे हैं. और ये भी मोटरसाइकिल जिसको है जाना है, अभी सूरत का भी 2 गाड़ी है हमारे पास, उसको भी दे देंगे. और भी मोटरसाइकिल जो है तो निकलने की आशंका है? यस, वो हमारा अधिक प्रयास चालू है. अगर वो उन्होंने और भी किया होगा, हमारा इंटरोगेशन टीम वो इंटरोगेशन करना चालू है. देख लेते हैं और जितना हो सकता है उतना रिकवर तो कर लेते हैं. हेलो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.